आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर। देन आपको आज बताया जाएगा कि पनीर कैसे बनता है। आज के ब्लॉग में मैं बनाऊंगा पनीर। मैंने पहले ये टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्च और दो तीन काली मिर्च, लौंग, मैंने पहले तेल डाल के उसमें फ्राई कर लिया था। अब हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर देंगे। यहाँ देखिए कैसे डालेंगे हम इसको मिक्सी में। अब ये मिक्सी में डलेगा। ये देखिए हमने इसमें डाल दिया है जो हमने फ्राई करा था, वो सब हमने इसमें डाल दिया है। और इसमें थोड़ी सी हम डाल देंगे लहसुन, ये धनिया। धनिया क्या है, धनिया का इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है, मैंने धनिया भी इसके साथ पीसते हैं। और ये धनिया मैंने पहले से ही वॉश कर रखी है, धनिया पहले से ही वॉश हो रखी है मेरी। वॉश करके हम इसमें ऐसे रख देते हैं इसमें न्यूज़पेपर के अंदर, ताकि पहले ख़राब हो। और अब हम इसको पीस देंगे। इसको देखिए ऐसे हम इसको लगा देंगे। इसको ग्राइंड करेंगे। यहाँ देखिए अब ये लग जाएगा हमारा। इसमें हम इसको ऑन कर देंगे। देन हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। अब हम यहाँ जला लेंगे गैस, ये जिसमें हमने फ्राई किया था इसमें तेल डालेंगे। आप कौन सा ऑयल यूज करते हैं या घी यूज करते हैं वो डालिएगा। हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। देखिए मस्टर्ड ऑयल लेंगे, अपने हिसाब से उसमें मस्टर्ड ऑयल डालेगा जितना आप डालना चाहें। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे आधे में ही वीडियो बंद करनी पड़ी क्योंकि मेरा छोटा बेबी है, मुझे बंद करना दिया था जैसे मैंने आपको बताया था। जो मैंने मसाला जो तैयार किया था उसको मिक्सी में ग्रेट करने के बाद मैंने उसको जीरा डाल के, तेल डाल के, उसके बाद मसाला डाल के, देन सारे मसाले भी मैंने पनीर डाल के ये अपने हिसाब से ग्रेवी बना ली। ये देखिए पनीर कितना अच्छे से बनके तैयार हो गया है। तो देखिए बहुत अच्छे से बनके तैयार हुआ है। अब इसे चाहे आप पनीर चाहे इसे रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं, कितनी अच्छी बनी है, खाने में बहुत टेस्टी है। आ जाइए आप लोग भी खाइए।